हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आज तारीख हो चुकी है 6 जुलाई 2021 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल को लेकर 8 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं। मेगा ऑक्शन को लेकर, बैलेंस पर्स के डिडक्शन को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी फ्रेंचाइज के रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को आज तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आती है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर। जैसा कि हमने आपको चैनल के ऊपर लगातार इंफॉर्मेशन दी थी कि बीसीसीआई आईपीएल 2021 को कंटिन्यू करवाने के साथ साथ जैसे ही आईपीएल 2021 का वेन्यू शिफ्ट होकर भारत से वापस यूएई चला गया था, वैसे ही बीसीसीआई की काफी ज्यादा सरदर्द कम हो गई थी और उन्होंने मेगा ऑक्शन की तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। जहां पर कल बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, जहां पर इन्होंने बताया है कि दिसंबर के महीने में आप लोगों को मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दिसंबर में अगर मेगा ऑक्शन होने वाला है तो उससे पहले पहले आईपीएल के बाद इनको कहीं ना कहीं जो 2 नई टीमों का एडिशन होना है उनकी भी प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। और गाइस, अब बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में ही आप लोगों को इन दोनों ही नई टीमों का ऑक्शन होते हुए नजर आ सकता है, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको अपडेट भी दी थी कि इसमें जो गोयनका ग्रुप है और उसके साथ ही जो अडानी ग्रुप है, उन्होंने ऑलरेडी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीमों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है बैलेंस पर्स में। काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट अपडेट बीसीसीआई ने कर दिया है, जहां पर हमने देखा था लास्ट ईयर के आईपीएल में, यानी कि जब आईपीएल 2021 की नीलामी हमें देखने को मिली थी, तो वहां पर जो बैलेंस पर्स था वो आईपीएल 2020 में होता था 82 करोड़, उसको बाद में बढ़ाकर 85 करोड़ कर दिया गया था। और गाइस, अब बीसीसीआई आईपीएल 2022 के ऑक्शन में 5 करोड़ रुपए का और इजाफा कर रही है, जिसका मतलब है कि प्लेयर्स के ऊपर अब और भी ज्यादा बड़ी बिडिंग होगी। कायल जेमिएसन, मैक्सवेल या फिर इस तरीके के जितने भी प्लेयर्स थे जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ी बिडिंग हुई थी, इन प्लेयर्स के अलावा अब जो इस बार प्लेयर्स आएंगे उनके ऊपर और भी ज्यादा बड़ी बिडिंग होगी। और ये बिडिंग 90 करोड़ तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि बीसीसीआई की माने तो जो अगले साल का आईपीएल होगा उसकी नीलामी होगी, यानी कि आईपीएल 2023, उसमें बैलेंस पर्स होगा 95 करोड़, और आईपीएल 2024 में 100 करोड़ हो जाएगा। यानी कि आप लोग इमेजिन कर सकते हो 100 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स एक टीम के पास होगा, वो भी सिर्फ 25 प्लेयर्स के स्क्वाड को कंप्लीट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है पर्स अमाउंट में डिडक्शन को लेकर कि आखिर कौन सी टीम के पास कितना बैलेंस पर्स बच जाएगा। यानी कि हमने आपको रिटेन प्लेयर्स के बारे में तो कल की वीडियो में ही पूरी डिटेल में बता दिया था, जहां पर सभी टीमों के 4 रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट हम आपको दे चुके हैं। तो ऐसे में इन रिटेन प्लेयर्स को रिटेन किए जाने पर कितने पैसे उस टीम के बैलेंस पर से कटेंगे, ये आप लोगों में से बहुत लोगों को समझ नहीं आया था। तो सबसे पहले तो जो भी टीम 3 प्लेयर्स को रिटेन करती है, क्योंकि जो रूल है वो इस तरीके का है कि 3+1 का रूल चलेगा, जो कि हम आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी आज ला कर देंगे। तो अगर आप लोग 3 प्लेयर्स को रिटेन करते हो तो फर्क नहीं पड़ता उन 3 प्लेयर्स का प्राइस कितना है, आपके 33 यानी कि 33 करोड़ रुपए ही डिडक्ट किए जाएंगे। अगर आप लोग 2 प्लेयर्स को रिटेन करते हो तो आपके 21 करोड़ रुपए, और अगर आप लोग एक ही प्लेयर को रिटेन करते हो तो फिर आपके 12.5 करोड़ रुपए डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये चीज हमें क्यों देखने को मिल रही है, किस तरीके से ये चीज काम करेगी, ये शायद आप में से अभी भी बहुत लोगों को समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग पूरी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, जहां पर सिर्फ हम बात करेंगे मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग, आरटीएम कार्ड किस तरीके से काम करेगा, रिटेन प्लेयर्स के ऊपर किस तरीके से उन पर डिडक्शन होगा, अगर आप लोग ये डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम लोग इसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है भारतीय टीम के नए कोच को लेकर, जहां पर रवि शास्त्री, जो कि पिछले काफी टाइम से भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं और रवि शास्त्री को काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है भारतीय टीम के प्लेयर्स और खुद कप्तान विराट कोहली के द्वारा भी, लेकिन गाइस अब ऐसा लग रहा है कि रवि शास्त्री का जो कार्यकाल है वो हमें जल्दी ही खत्म होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि रवि शास्त्री का जो कार्यकाल है वो है T20 वर्ल्ड कप तक। जैसे ही T20 वर्ल्ड कप UAE और ओमान में फिनिश हो जाता है, वैसे ही इनके कोचिंग
बॉलिंग की जो डेट है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अगले बार भी ये कोच बनने के कंटेंडर तो हैं, लेकिन इस बार जो कॉम्पिटिशन है वो इनको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं राहुल द्रविड़। जहां पर बताया जा रहा है कि राहुल द्रविड़ अपना नाम कोचिंग के लिए देना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए, आप लोगों के हिसाब से रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ में से किसे भारतीय टीम का कोच बनाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में जो आईपीएल की 8 फ्रेंचाइज है उसमें से बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइज है जिनको यूएई में होटल ही नहीं मिल रहा, तो शायद आप लोग इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर ही मैंने आपको बताया 100 करोड़ रुपए का बैलेंस पर से एक टीम का होने वाला है। लेकिन हालत यह है कि यूएई में होटल तक नहीं मिल रहे हैं, और इसका रीजन ये है कि जो बीसीसीआई के रूल्स हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ होटल्स आते हैं यूएई के अंदर वो काफी ज्यादा कम है। मतलब आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज यूएई में तो हजारों की संख्या में होटल्स होंगे, लेकिन वहां पर जो बीसीसीआई के रूल्स है क्वारंटीन के, उसके हिसाब से सिर्फ 20 या 30 होटल ही उस दायरे में आते हैं जिसमें प्लेयर स्टे कर सकते हैं। और अब उन 20 में से 8 टीमों को अपनी अपनी मर्जी का होटल सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी अपने अपने प्लेयर्स के हिसाब से, तो उनकी बात बन नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने बीसीसीआई को रिक्वेस्ट की है कि नंबर ऑफ होटल्स के जो ऑप्शन है उनको इंक्रीज कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है आईपीएल 2021 के ही रिगार्डिंग, जहां पर आईपीएल 2021 में एक और नए वेन्यू का एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आईपीएल 2020 की जो यूएई में कंडक्ट हुआ था, वहां पर 3 ग्राउंड हमें देखने को मिले थे, जहां पर दुबई, उसके साथ ही शारजा और उसके साथ ही अबूधाबी में आप लोगों को मैचेस देखने को मिले थे। लेकिन गाइज इस बार बीसीसीआई ने एक और नया वेन्यू ऐड कर दिया है, और ये जो नया वेन्यू है वह एक्चुअल में नया ही वेन्यू है, जहां पर इस वेन्यू के ऊपर अभी तक कोई भी मुकाबला हमें देखने को नहीं मिला। और इस वेन्यू का नाम है टॉलरेंस ओवल, जो कि अबूधाबी का ये ग्राउंड है, और यहां पर भी इस बार आप लोगों को आईपीएल के मैचेस खेलते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है मुंबई इंडियंस के कायरन पोलार्ड की तरफ से, जहां पर दुबई में आईपीएल होने से पहले ही अब यहां पर सूर्य कुमार यादव के बाद कायरन पोलार्ड ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि मुंबई इंडियंस ही वो टीम होगी जो कि आईपीएल 2021 का टाइटल एक बार फिर से जीतेगी। पास्ट में भी एमआई के जो प्लेयर्स हैं और वो कोच हैं वो इस तरीके की स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम ने जिस तरीके से आईपीएल 2020 को यूएई में डोमिनेट किया था, उसके बाद किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि एमआई की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यूएई की कंडीशंस उनको काफी ज्यादा सूट करती हैं। और इसी बात पर पोलार्ड ने बोला है कि एमआई की टीम वो टीम बन सकती है जो कि लगातार कंसेक्यूटिवली तीसरे साल आईपीएल की ट्रॉफी उठाएगी। इसके साथ ही पोलार्ड ने यह भी बोला कि वर्ल्ड कप में अभी वेस्ट इंडीज की टीम जो टाइटल होता है उसको जीतने की प्रबल दावेदार है। खैर ये तो देखने वाली बात ही होगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से। लेकिन आप लोगों को इस खबर को सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर आप लोग हमको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम ये खबर आपको पहले ही बता चुके थे। और ये खबर है डीसी के कैप्टन श्रेयस अय्यर की तरफ से, जहां पर अय्यर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कमान संभालेंगे पहले मुकाबले से यूएई में। इसके साथ ही अय्यर ने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करने वाली वीडियो भी एक शेयर की है, जहां पर श्रेयस अय्यर हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। हम तो आपको ऑलरेडी बता ही चुके थे कि श्रेयस अय्यर 90 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाएंगे और आईपीएल से पहले पहले ही वो ठीक हो जाएंगे, तो अब ऐसा ही हमें देखने को भी मिला है। तो गाइज ये वीडियो इन तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।